सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक इंटरव्यू दिया है। क्या वो जानते थे उनके बेटे की शादी के बारे में? क्या कहना है उनका? वो बताते हैं कि उनकी आखिरी बात कब हुई थी। उनका कहना है कि हाँ, आखिरी बार बात हुई थी तब शादी का जिक्र हुआ था। उसने कहा था कि वो शादी करेगा और वो बोलते हैं कि उसने मुझे फ़ोन किया और हमारी बात हुई और वेडिंग प्लान्स के बारे में भी चर्चा हुई थी। उसने बोला कि इस पर जो है अभी तो कोरोना चल रहा है, उसके बाद मेरी एक फिल्म है वो कर लेंगे और अगले साल फेब्रुअरी मार्च में देखते हैं कर लेंगे शादी। बस मेरी यही लास्ट बात हुई थी उसके साथ। तो कहीं ना कहीं पिता इंतज़ार कर रहे थे कि बेटे की शादी होगी, बेटे के सर पर सेहरा बंधेगा, लेकिन अचानक ये खबर आ गई। वो कहते हैं कि मैंने कभी शादी के बारे में उससे नहीं कहा कि हमारी पसंद की लड़की से शादी कर। मैंने कहा था कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी बितानी है, इसलिए तुम जिससे चाहो शादी कर सकते हो क्योंकि तुम्हें उसके साथ ज़िंदगी बितानी है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्होंने रिया से बात की है कभी, तो वो कहते हैं मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की। सुशांत की ज़िंदगी में जितनी भी थी मैंने सिर्फ और सिर्फ अंकिता से बात की है, सुशांत ने सिर्फ मेरी अंकिता से बात कराई है। तो उनके पिता ने बॉलीवुड तड़का में ये इंटरव्यू दिया है जिसमें ये सारी इमोशनल बातें शेयर की हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि जब वो मुंबई थे तो सिर्फ कृति आई थी उनको दिलासा देने के लिए। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से मन्नतों के बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ था। वो कहते हैं कि वो आज भी मेरे साथ है, वो हमेशा मेरे पास ही रहेगा, वो कहीं नहीं गया है। तो इस तरह से उन्होंने जो है अपने दिल की बातें पहली बार की है। बेटे का निधन हुआ था 11 दिन पहले और 11 दिन बाद उनका इस तरह से एक इंटरव्यू आया है जिसमें वो ये सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं। वो मानते हैं कि हाँ, उनके बेटा जो है सुशांत, उनके शादी के प्लान थे और वो अगले साल शादी करने वाले थे।